हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या घटसम समाज की घटना चक्र वार्षिकांक 2019। ठीक, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देख रहे थे, जिसमें बी पार्ट देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय विकरण। ठीक, तो आपको बता दें इसमें बात कर चुके हम लोग कहाँ तक, करतारपुर कॉरिडोर समझौता था। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम लोग बगदादी का अंत। आपको बता दें लाइन से बिल्कुल सभी लेक्चर ये आपको समसमय की घटना चक्र 2019 के नाम से जो प्ले सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएस का नेतृत्व करता अबू बक अल बगदादी 26 से 27 अक्टूबर 2019 की रात उत्तर पश्चिमी सीरिया में अमेरिकी विशेष सैन्य बलों की कार्रवाई के दौरान मारा गया है। अमेरिकी विशेष बलों द्वारा यह कार्रवाई उत्तर पश्चिमी सीरिया के इदलिब प्रांत स्थित वारिसा गांव में की गई। ज्ञातव्य है कि सीरिया का इदलिब प्रांत तुर्की की दक्षिणी सीमा की महज 5 किलोमीटर दूर स्थित है। विशेष बलों के इस ऑपरेशन में 8 हेलीकॉप्टर, कई पोत और विमान शामिल थे। इस कार्रवाई को अंजाम देने हेतु अमेरिकी विशेष बलों के हेलीकॉप्टर तुर्की के ऊपर से उड़ते हुए इन उन इलाकों से गुजरे जहां सीरियाई और रूसी सेनाओं का नियंत्रण था। बगदादी के विरुद्ध अमेरिकी विशेष बलों के इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है अमेरिकी की दिवंगत मानवाधिकार कार्यकर्ती कायला म्यूलर के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया। वर्ष 2013 में म्यूलर का सीरिया स्थित अलेप्पो से आईएस द्वारा अपहरण कर लिया गया। फरवरी 2015 में आईएसआईएस की हिरासत में उनकी मौत हो गई। 31 अक्टूबर 2019 को आईएसआईएस ने अबू बक अल बगदादी की मृत्यु की पुष्टि की तथा अपने नए नेता के रूप में अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरेशी का नाम की घोषणा की गई है। क्या क्या है अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरेशी। आगे बात करते हैं हैती। हैती में यूएन शांति मिशन समाप्त हुआ है। अपनी स्थापना 1945 के पश्चात से संयुक्त राष्ट्र लगातार विश्व शांति स्थापना में संलग्न है। इसी उद्देश्य से सभी संघर्ष क्षेत्रों में यूएन पीस कीपिंग मिशन किए जाते हैं, लेकिन जहाँ कुछ क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त हुई वहीं यूएन के शांति सैनिकों पर विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगते रहे। इसी दिशा में हैती में संचालित यूएन पीस कीपिंग मिशन के मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए। 15 अक्टूबर 2019 को हैती में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन को समाप्त घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है हैती में संयुक्त राष्ट्र शांति तथा शांति रक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2004 में यूएन स्थिरता मिशन के साथ हुई। यह मिशन हैती में बदहाल उथी राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है हैती में यूएन स्थित मिशन 15 अक्टूबर 2017 को समाप्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र के इन दो मिशनों में ने हैती की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें पुलिस व्यवस्था में सुधार, न्याय क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण तथा सामुदायिक हिंसा न्यूनीकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है। बात करते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी सभा। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP20 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लॉन्च किया था। यह एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना है तथा सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करना है। आईएसए की औपचारिक स्थापना 6 दिसंबर 2017 को की गई थी। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आईएसए की प्रथम सभा 3 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुई थी। याद रखिए आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है।
6 दिसंबर 2017 को इसकी स्थापना हुई। 31 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में ISA सभा के अध्यक्ष एवं भारत के विद्युत और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ISA की दूसरी सभा का शुभारंभ किया। इस सभा में 78 देशों के प्रतिनिधियों मंडलों ने भाग लिया है। इस दौरान दो देशों इरिटिया और सेंट किट्स एंड नेविस ने 31 अक्टूबर 2019 को ISA फेमबर्ग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही अब 83 देशों ने ISA फेमबर्ग समझौते पर हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है कि ISA सभा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शीर्ष निर्णय निर्माण निकाय है, जो विभिन्न प्रशासनिक वित्तीय कार्यक्रम संबंधित मुद्दों पर निर्देश देता है। बात करते हैं सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों की बात करें तो जिनमें शामिल है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा शेष 10 सदस्यों की बात करें क्षेत्रीय आधार के अनुसार तो 2 वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो याद रखिए स्थायी सदस्य कितने हैं, 5, कौन कौन से, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1 जनवरी 2020 को से एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम और सेंट विसेंट एंड द ग्रेनाइड्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य होंगे। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए इनका चुनाव 7 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र के महासभा के 73वें सत्र में किया गया। इसमें नाइजर, ट्यूनीशिया तथा वियतनाम निर्विरोध चुने गए। इनकी 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होगी तथा 31 दिसंबर 2021 तक परिषद सदस्य रहेंगे। सुरक्षा परिषद में नवनिर्मित निर्वाचित देश आइवरी कोस्ट, इक्वेटोरियल गिनी, कुवैत, पोलैंड, पेरू का स्थान लेंगे, जिनकी दो वर्षीय सदस्यता 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होगी। उपयुक्त 5 देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य हैं, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, डोमिनियन गणराज्य व इंडोनेशिया। इन 5 देशों की 2 वर्षीय सदस्यता 1 जनवरी 2019 से शुरू हुई थी। अब यह 5 देश 31 दिसंबर 2020 तक सुरक्षा परिषद के सदस्य रहेंगे। बात करते हैं रीवा, ये MP वाला रीवा नहीं है, याद रखिए रीवा है जापान का नया युग। रीवा 1 मई 2019 को नारुहितो, आपको पता होगा नारुहितो जापान के 126वें सम्राट बन गए। इसके साथ ही जापान में रीवा नामक युग की शुरुआत हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले 30 अप्रैल 2019 को जापान के सम्राट आकिहितो ने स्वेच्छा से सिंहासन को छोड़ दिया है। सम्राट आकिहितो के सिंहासन छोड़ने के साथ ही उस हिसेई युग का समापन हो गया है, जो जनवरी 1989 में सम्राट आकिहितो द्वारा जापान के 125वें सम्राट के रूप में सिंहासन ग्रहण करने के साथ प्रारंभ हुआ था। सम्राट आकिहितो ने 30 वर्ष से अधिक समय तक जापान के सम्राट के रूप में सिंहासन को संभाला है। जापान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किए जाने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ही स्वदेशी गेंगो कैलेंडर का उपयोग भी प्रचलन में किया गया। गौरतलब है कि गेंगो कैलेंडर के अंतर्गत जापान में नए युग की शुरुआत तब मानी जाती है जब किसी सम्राट की मृत्यु हो जाती है या वह स्वेच्छा से सिंहासन को छोड़ देता है। जापान की सम्राट परंपरा से में पिछले 200 वर्षों में आकिहितो पहले ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने जीवित अवस्था में सिंहासन को स्वेच्छा से छोड़ा है। बात करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 के बारे में, ठीक है। वर्ष 2019 के वैश्विक, याद रखिए कुछ ऐसे पार्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर परीक्षा में, वनडे एग्जाम हो या ISPCS का। अब वैश्विक सूचकांक रहते हैं इन्हें याद कर लीजिए यार, हर परीक्षा में एक दो तीन क्वेश्चन आते ही है। वर्ष 2019 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन संयुक्त रूप से
दो गैर सरकारी संगठनों कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा किया गया है। बेसमरी भूख सूचकांक चार संकेतकों यथा अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिंगनापन, बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया गया। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 100 आधार अंकों के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है और जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। 15 अक्टूबर 2019 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का 14वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट भुखमरी एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती विषय पर केंद्रित है। बात करते हैं 2019 की रिपोर्ट में विश्व के 117 देशों में पोषण की स्थिति का आकलन प्रस्तुत है। उल्लेखनीय है वर्ष 2000 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक स्कोर में 19.0 था, जो वर्ष 2019 में 31% की गिरावट के साथ 20.0 तक पहुंच गया है। विश्व में अल्प पोषित लोगों की संख्या 2015 में 785 मिलियन से बढ़कर 2018 में 822 मिलियन तक पहुंच गई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 के अनुसार वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य 53.6 स्कोर के साथ भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में। चार देश चार मेडागास्कर यमन जाम्बिया भुखमरी की भयावह स्थिति की का सामना कर रहे हैं। GHI हंगर इंडेक्स में शामिल हुए कुल 117 देशों में 43 देश भुखमरी की गंभीर स्थिति में। 2019 की हंगर इंडेक्स में के अनुसार मध्य अमेरिकी गणराज्य में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक 59.6% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठंगनापन के मामले में यमन सर्वाधिक 61.1%, 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में दुबलापन के मामले में भारत 20.8% दर्ज किया गया सर्वाधिक, 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सोमालिया में सर्वाधिक है 12.7%। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में 17 देश ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तित्व रैंक प्रदान नहीं की गई बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 17 तक सूचीबद्ध किया गया है। ब्राजील 5.3 स्कोर के साथ सूचकांक में 18वें स्थान पर है। रूसी संघ 22वें स्थान है। भारत को याद रखिए 102वें स्थान पर है, 2018 में 103वें स्थान पर था एक और 2017 में 100वें स्थान पर था, क्योंकि अभी UPPCS में आपने देखा है 2017 का हंगर इंडेक्स पूछ लिया 100 स्थान था, ठीक है 2018 में 103, 2019 में 102 है, ठीक है स्कोर है इसका 30.3। और चीन की बात करें तो 25वें नंबर पे 6.5 के साथ, दक्षिण अफ्रीका 59वें नंबर पे 14.0% स्कोर के साथ। अंतिम 5 देशों की बात करें तो 117 पे है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, 116वें पे है यमन, 115वें पे है चाड, 114वें पे है मेडागास्कर और 113वें पे है जाम्बिया। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग 102 भी है 30.3 स्कोर के साथ। स्पष्ट है कि GHI 2019 में भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2018 में भारत की 109वीं रैंकिंग थी। कुल 119 देश शामिल थे पिछली बार, याद रखिए इस बार 117 है। बात करते हैं हम लोग वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 4.0 में प्रतिस्पर्धात्मकता के कुल 12 स्तंभों के भारत के औसत आधार पर 141 देशों को रैंक प्रदान की गई है। इस सूचकांक में 0 से 100 अंकों के मध्य अंक प्रदान किया गया है, जिसमें 100 सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धात्मकता को जबकि 0 न्यूनतम
प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। 9 अक्टूबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019 जारी की है। वर्ष के सूचकांक में सिंगापुर ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में। भारत की बात करें तो 68वें स्थान पर प्राप्त है 61.4 स्कोर के साथ, जबकि विगत वर्षों में 2018 में 58वां स्थान था 83.1 स्कोर के साथ। हांगकांग तीसरे और नीदरलैंड चौथे स्थान पर है, ठीक है, स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पर। अब बात करते हैं अंतिम 5 देशों की। चार है अपना 141, यमन 140, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 139, हैती है 138, मोजाम्बिक है 137, ठीक, याद रखिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 4.0 में ब्रिक्स देशों की सूची की बात करें तो चीन है 28वें स्थान पर, रूस है 43वें स्थान, दक्षिण अफ्रीका है 60वां और भारत है 68वां, 71वें नंबर पर है ब्राजील, ठीक है। ब्रिक्स देशों की सूची में भारत 4वें नंबर पर है। यही बात करते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2019 को। 28 मई 2019 को IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 स्विट्जरलैंड की लुसाने में जारी की गई। वर्ष 2010 के बाद से पहली बार इस रैंकिंग में सिंगापुर को विश्व की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान मिला है। वेनेजुएला रैंकिंग में अंतिम स्थान 63 स्थान पर है। भारत IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 2019 में विश्व की 43वीं सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में वर्ष 1989 से स्थापित की गई, ठीक है, याद रखिए। यह मूल रूप से एक सूची है जिसे स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र द्वारा संकलित किया जाता है। इसमें 63 अर्थव्यवस्थाओं में से प्रत्येक के विश्लेषण के लिए 235 संकेतकों को शामिल किया गया। अब बात करते हैं कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय आया है। 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान के सैन्य अदालत ने पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में जासूसी एवं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव की फांसी दिए जाने के निर्णय का विरोध करते हुए इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यह दलील दी कि जाधव को कंसुलर एक्सेस यानी भारतीय दूतावास के अधिकारियों से बात करने का अधिकार देकर पाकिस्तान ने वेना ना देकर पाकिस्तान ने वेना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस 1963 का उल्लंघन किया है। 17 जुलाई 2019 को जाधव मामले में निर्णय सुनाते हुए नीदरलैंड के दाहेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 16 न्यायाधीशों की पीठ ने 15-1 से भारत के पक्ष में निर्णय दिया। जाधव की फांसी पर रोक को जारी रखा गया। इस विषय पर पाकिस्तान को पुनर्विचार तथा पुनर्समीक्षा करने को कहा। केवल तदर्थ न्यायाधीश तद्दुक हुसैन जिलानी विरोध में निर्णय किया गया पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने इस मामले पर ICJ के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न उठाए। ICJ ने इस आपत्ति को रद्द करते हुए अपने निर्णय को कहा है कि वर्ष 1963 को कि वेना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस के अनुसार ICJ दो देशों के बीच उत्पन्न विवादों का अनिवार्य निपटान कर सकती है। ICJ ने अपने निर्णय में भारत के इस तर्क को सही माना कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत का जाधव के विरोध दिया गया निर्णय वेना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस का उल्लंघन था। ICJ ने यह भी माना है कि कुलभूषण जाधव को इतने दिनों तक कानूनी सहायता नहीं देकर पाकिस्तान ने वेना कन्वेंशन ऑफ कंसुलर रिलेशंस के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है। यह है कि जाधव मामले में भारत की ओर से हरीश सालवे ने जाधव को निःशुल्क स्पेयर भी किए, याद रखिए हरीश सालवे। यह इस निर्णय का ही प्रभाव है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कंसुलर एक्सेस की सुविधा प्रदान की है। इसके परिणाम स्वरूप 2 सितंबर 2019 को इस्लामाबाद में भारतीय उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया की मुलाकात कुलभूषण जाधव से संभव हो पाई। बात कर लेते हैं हम लोग यहीं वेना कन्वेंशन ऑन कंसुलर
रिलेशंस की। स्वतंत्र और संप्रभु देशों के मध्य आपसी राजनीतिक संबंधों से संबंधित एक अभी समय वेना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस 18 अप्रैल 1961 को हस्ताक्षरित हुआ था एवं यह 24 अप्रैल 1968 को लागू हुआ। इसके आधार पर ही राजनयिकों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात 24 अप्रैल 1963 को वेना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस हस्ताक्षरित हुआ। यह 19 मार्च 1967 को लागू हुआ। इस समय में कुल 79 अनुच्छेद हैं। ठीक है, यह है जाधव का मामला हो गया। अब बात करेंगे हम लोग गाफा टैक्स के बारे में, तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल का गाफा टैक्स। ठीक है।